हेलो फ्रेंड्स, एक बार से फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दीवान बेड दिखाऊंगा। दीवान बेड को दोस्तों कुछ लोग सिंगल बेड भी कहते हैं और पूरा वुडन पे होने वाला है वो दीवान बेड। पूरा सागवान की लकड़ी पे बना हुआ है। पूरा आपको डिटेल बताऊंगा किस क्वालिटी का हमने मटेरियल यूज करा है और किस क्वालिटी का मटेरियल आपको लेना है बेड लेने से पहले, और पूरा डिटेल में बताऊंगा कि बेड लेने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और दोस्तों बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको दीवान बेड मिल जाएगा, मतलब इससे बेस्ट प्राइस में शायद ही आपको दीवान बेड कहीं पर मिले। और दोस्तों हमारी जितनी भी डिटेल है सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और यहाँ की लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल हमारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक काम करता हूँ, आपको दीवान बेड के पास लेके चलता हूँ, दीवान बेड की पूरी डिटेल बताता हूँ। दोस्तों यही वो दीवान बेड है जिसकी मैं बात कर रहा था, और आप देख सकते हैं पूरा डिज़ाइन इसका किस तरीके से। सबसे पहले अगर हम इसी मैट्रेस वाले एरिए की बात करें, इस वाले एरिए में दोस्तों मैट्रेस आएगा, और मैट्रेस की अगर मैं साइज की बात करूँ, क्या साइज होता है मैट्रेस जो दीवान बेड पे आता है, 6x4 का मैट्रेस इसके ऊपर आता है। दोस्तों 6x4 अगर मैं इंच में आपको बताऊँ, 72x48, मतलब लंबाई जो रहेगी दोस्तों 6 फीट रहेगी, चौड़ाई जो रहेगी 4 फीट रहेगी। दो लोग इस पर आराम से सो जाएंगे, 3 लोग इस पर नहीं सो पाते, 2 लोग इस पर ईजिली सो सकते हैं। अगर आप अपने घर के लिए दीवान बेड सोच रहे लेने के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो आप इसी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई गेस्ट भी आता सोने के लिए तो आप आराम से सो सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो साइज आएगा दोस्तों 6x3 आएगा, आप 6x3 के भी जा सकते हैं, लेकिन 6x4 एक स्टैंडर्ड साइज दीवान बेड का होता है। उसके बाद अगर हम इसकी डिज़ाइनिंग की बात करें, हेड साइड पे दोस्तों डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, हमने कुशनिंग का प्लेन डिज़ाइन दिया हुआ है कुशनिंग पे, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत लकड़ी का कार्बिन करा हुआ है। ये वाला पार्ट दोस्तों लकड़ी का कार्बिन पे हुआ हुआ है, और उसके नीचे भी आपको कार्बिन से हुआ हुआ मिलेगा, ये देख सकते हैं। ये भी दोस्तों वुडन कार्बिन है, और वुडन कार्बिन दोस्तों जो हो रखी है वो सागवान की लकड़ी पे हो रखी है। इस बेड में जितनी भी लकड़ियाँ लगी हैं दोस्तों सारी सागवान की लकड़ियाँ लगी हैं। सागवान की लकड़ियाँ इसलिए लगी ताकि बेड थोड़ा और ड्यूरेबल हो जाए और उसकी लाइफ थोड़ी और अच्छी हो जाए। सागवान में बहुत सारी लकड़ियाँ आती हैं, जो फर्स्ट में जो आती है वो निगम की लकड़ी होती है सागवान में, हमने वो लकड़ी इस बेड में लगाई है, और जो इसका बॉर्डर है दोस्तों ये भी सागवान की लकड़ी में है। उसके बाद अंदर देखेंगे आप तो इसके अंदर आपको स्टोरेज मिल जाएगा, ये स्टोरेज वाला पार्ट है, इसमें जंजीर लग जाएगी। जंजीर दोस्तों उधर दे रखी है लेकिन अभी हमने जंजीर लगाई नहीं है। और हाइट की बात करें तो इसकी कितनी हाइट है, ज़मीन से आपको ये 4 फीट हाइट मिलेगी पूरी ऊपर तक। उसके बाद साइड से देख सकते हैं, साइड से भी हमने पूरा कंप्लीट पॉलिश करा हुआ है। पॉलिश दोस्तों जो है वो डीको पॉलिश है, डार्क ब्राउन डीको पॉलिश हमने इस पर करा हुआ है। और थोड़ा फ्रंट से अगर मैं दिखाऊं आपको तो फ्रंट से भी देख सकते हैं, फ्रंट से किस तरह का इसका लुक है। बहुत ही सिंपल सा डिसेंट सा ये दीवान बेड है। थोड़ा कार्बिन वाला पार्ट हमको हेड साइड में मिल जाता है विद पिलो बॉक्स, थोड़ी और इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और ज़मीन से हमने इसको 4 इंची ऊपर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ज़मीन से हमने इसको 4 इंची इसलिए ऊपर रखा हुआ है ताकि झाड़ू वाड़ू लगाने में कोई दिक्कत ना आए, कोई सामान अगर गिर भी जाता है इसके नीचे तो आराम से निकालने में दिक्कत ना हो आप लोगों को। दोस्तों ये स्टोरेज वाला पार्ट हो गया इसका, इसके अंदर भी दोस्तों आपको पूरा डीको पॉलिश मिलेगा, ये हमने पूरा डीको पॉलिश में करा हुआ है, अंदर भी, अंदर बाहर पूरा आपको डीको पॉलिश मिलेगा इसमें। उसके बाद इसके ऊपर जनरली लोग पॉलिश नहीं करते, हमने भी इसके ऊपर पॉलिश करा हुआ है। और कुशन का कलर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, मतलब कुशन का कलर आपको अगर वाइट के लिए कोई और चाहिए तो वो भी हो जाएगा। बाकी कलर हमने इसमें डार्क ब्राउन दिया है, आप चाहे तो ब्लैक भी ले सकते हैं, वाइट भी ले सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सा कलर लेना है, लेकिन जनरली डार्क ब्राउन पॉलिश करने का ये रीज़न रहता है ताकि जल्दी गंदा नहीं दिखता। अगर वाइट आप करा लेंगे तो बहुत जल्दी गंदा दिखेगा, डार्क ब्राउन से क्या होता है आपका बेड इतनी जल्दी गंदा नहीं होता और पॉलिश भी बहुत इजीली हो जाता है। पॉलिश दोस्तों जो है वो हाई ग्लॉस ब्यू पॉलिश है, और आप चाहें तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी करा सकते हैं। इसके बाद जितनी भी इसमें दोस्तों लकड़ियाँ लगी हैं सब सागवान की लकड़ी लगी है, और इसके नीचे दोस्तों जो सपोर्टें दी हुई हैं, मतलब जो नीचे वाली हमारा लगेज एरिया है, इसके नीचे भी दोस्तों जो लकड़ियाँ लगी हैं सब सागवान की लकड़ियाँ लगी हैं, मतलब कंप्लीट दोस्तों जो बेड है पूरा सागवान की लकड़ी पे बना हुआ है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी इस दीवान बेड के बारे में। अगर आपको दीवान बेड लेना है तो आप हमसे ले सकते हैं, हमारी जितनी भी डिटेल है सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, अगर लोकेशन की बात करूँ हमारी लोकेशन कहाँ पड़ती है दोस्तों, हमारी लोकेशन जो लखनऊ में पड़ती है, लखनऊ में रायबरेली रोड है, रायबरेली रोड पे हमारी शॉप है। आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप हमसे लोकेशन भी मंगवा सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आप हमसे फोटो भी मंगवा सकते हैं। जितने भी दीवान बेड अवेलेबल होंगे हम आपको सेंड कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ दीवान बेड लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। दोस्तों सबसे पहले आपको
उसकी क्वालिटी का ध्यान देना, सबसे पहले उसमें कौन सी क्वालिटी की पॉलिश हो रखी है। पॉलिश का कलर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब भी आप उसे पॉलिश कराएं आप उसमें मेलामाइन हाई ग्लॉसी पॉलिश कराएं, नॉर्मल पॉलिश जो हाथों से होती है वो सब पॉलिश ना कराएं। इससे क्या होता है बेड की ड्यूरेबिलिटी शाइनिंग थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहती है, और अपने बेड को जितना साफ रखेंगे जितना गंदा होने से बचाएंगे उतना आपका बेड और शाइनिंग करेगा। आप उसके बाद दोस्तों आपको उसकी लकड़ी का ध्यान देना, उसमें कौन सी लकड़ी लगी है। दोस्तों सागवान की लकड़ी पे भी बेड बनता है, नीम की लकड़ी पे भी बेड बनता है, और शीशम की लकड़ी, बहुत सारी लकड़ी पे बेड बनता है। अगर आप अपना दीवान बेड कहीं से भी ले रहे हैं तो आप हमेशा सागवान की लकड़ी या शीशम की लकड़ी प्रीफर करें, क्योंकि लॉन्ग रन में ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब ये टूटती नहीं, थोड़ी मजबूत रहती है। आपका बेड इससे क्या होगा लॉन्ग रन में ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो आपको लकड़ी का ध्यान देना है, पहले आपको पॉलिश का ध्यान देना है, उसके बाद लकड़ी का ध्यान देना है, उसके बाद दोस्तों आपको उसकी क्वालिटी का ध्यान देना है, किस क्वालिटी का उसमें प्लाईबोर्ड ये सब लगा है, ये सब तो आपको दुकानदार बताएगा। आप बेड लेने से पहले सारी चीज़ दुकानदार से पूछ लें कि हाँ किस क्वालिटी का मटेरियल है, क्या गारंटी वारंटी है, किस किस चीज़ की गारंटी वारंटी वो दे रहे हैं। जिस जिस चीज़ की वो गारंटी वारंटी दे रहे हैं आप ये सारी चीज़ें बिल पे जरूर मेंशन करवा लें। इन फ्यूचर अगर आपका बेड डैमेज होता है कहीं से तो आप इजीली क्लेम कर सकते हैं। बाद में ये भी हो सकता है वो ये भी बोल सकते हैं हमने ये चीज़ नहीं बोली। तो जिस जिस चीज़ की गारंटी वारंटी देते हैं आप ये सारी चीज़ बिल पे जरूर मेंशन करवा लें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है बेड लेने से पहले। और दोस्तों फर्नीचर रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस टॉपिक में वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा।